प्रियंका चार चौधरी की हार और एमसी सी की जीत पर क्या कहना है अंकित गुप्ता का वेल well, प्रियंका का एलिमिनेशन काफी शॉकिंग था जब एलिमिनेशन की अनाउंसमेंट होती है तो अंकित की आंखों में आंसू आ जाते हैं उनको यकीन ही नहीं होता है कि प्रियंका टॉप थ्री में पहुंचने के बाद एलिमिनेट हो गई क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए बाहर तो चर्चाएं प्रियंका और शिव की थी कि इन दोनों में से कोई एक विनर बनेगा किसी को भी ये यकीन नहीं था कि ऐसा हो जाएगा फिलहाल हो गया तो चलो मान ही लेते हैं लेकिन लोग सच्चाई को तो देखिए बोलने से पीछे हट हाँ नहीं पाएंगे मीडिया में काफ़ी सारे लोग शौक थे उन्होंने भी बोला कि कहीं ना कहीं थोड़ा शौकिंग है ऐसा लग रहा था शिव या फिर प्रियंका जीतेंगे तो क्या लगता है मीडिया के मेंबर जब यहाँ पर आते हैं गौतम भी गाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं उस पर अंकित भी कहते हैं कि हाँ हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और प्रियंका की जर्नी काफी अच्छी रही है खास करके जब मैं गया तो थो थोड़े दिन एक दो दिन कहीं ना कहीं वो उतना इन्वॉल्व नहीं हुई लेकिन उसके बाद उसने बहुत अच्छे से बिग बॉस के घर में गेम खेला है तो हार के जीतने वाले को बाजीगर ही कहते हैं साथ ही उन्होंने यहाँ पर जब एम सी के बारे में पूछा गया क्या लगता है आपको एम सी डिजर्विंग विनर है तो उन्होंने हंसते हुए चुप्पी साधने की कोशिश की जब उनसे बार बार प्रेशराइज किया गया बताइए क्या कहना है तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट कम था बंदा बहुत अच्छा है नो no डाउट्स लेकिन इन्वॉल्वमेंट काफ़ी